नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 1 जुलाई साथियों, इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग से संबंधित आज की सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार के अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, वन रक्षक भर्ती का पर्चा लीक, 8-8 लाख रुपए देकर परीक्षा से 2 घंटे पहले लिए थे पेपर। शहर के हाउसिंग बोर्ड और अहिंसापुरी में हल कराए गए पर्चे, 6 आरोपियों को किया डिटेन, रिपोर्ट में 5 दलालों के भी नाम। एक टीम मुख्य सरगना की तलाश में जुटी, अभी पकड़ से दूर। और प्रदेश के कई जिलों में फैला है गैंग का नेटवर्क। आप देख सकते हैं, नवंबर 2022 में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि एग्जाम से करीब 2 घंटे पहले पेपर पढ़ाकर जवाब रटा दिए गए थे। अब इस मामले में राज तालाब थाने में 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि पत्रिका ने 24 जून को मामले का खुलासा करते हुए 7 विभागों की भर्तियों में बैठे डम्मी अभ्यर्थी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। और दर्ज प्रकरण के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले और हाल में हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किए गए प्रवीण मालवीय ने पूरा राज खुला है। दूसरी पारी का पेपर मेरे घर हल कराया, ये भी आप देख सकते हैं। और कई जिलों में फैले हैं गैंग के तार। विनय चौधरी और सोनिया सिंह, डीएसपी और सीआई, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये बड़ी अपडेट है वन रक्षक भर्ती पर्चे लीक को लेकर के। अगली खबर है, यहां पर प्री डीएलएड 2024 में 92% ने दी परीक्षा, 5 डमी परीक्षार्थी पकड़े। कुलपति और स्कूल शिक्षा शासन सचिव ने कंट्रोल रूम से की निगरानी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा रविवार को, यानी कल, राज्य के 1917 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 6,45,254 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 5,95,047 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, यानी कि 92.19% यहाँ पर उपस्थिति रही। आप देख सकते हैं प्री डीएलएड 2024 जो कल आयोजित की गई थी एग्जाम। आज से शिक्षक स्कूल में नहीं ले जाएंगे एंड्रॉइड मोबाइल, सीकर सुमार से राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने स्कूल टाइम में एंड्रॉइड मोबाइल का परित्याग करते हुए सरकारी आदेश का समर्थन किया। साथ ही सभी शिक्षकों से भी एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग नहीं करने की अपील की है। संघ के जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया तथा जिला मंत्री नागरमल गढ़वाल ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर बताया कि बीएलओ सहित विभिन्न गैर शैक्षिक कार्यों के खिलाफ शिक्षकों का संघर्ष जारी है। लेकिन सबसे घातक मोबाइल फोन से किए जाने वाले ऑनलाइन गैर शैक्षिक कार्य हैं। तैयारी, सड़क से संसद तक मचे बवाल के बीच जेई जैसी प्रक्रिया पर मंथन, नीट यूजी ऑनलाइन मोड में कराने पर विचार। नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में सड़क से संसद तक मचे बवाल के बीच सरकार अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। और परीक्षा के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस जैसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। फिलहाल नीट की परीक्षा पेन एंड पेपर से होती है। नीट पीजी परीक्षा की जाएगी रीशेड्यूल। और यहां पर बी फार्मा के विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन आज, एमडीएसयू बी फार्मा का कल होगा। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। बी फार्मा के विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन सोमवार को और डी फार्मा के विद्यार्थियों का मंगलवार को होगा। अगली खबर है, यहां पर उत्तर पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर बंपर मौके, यहां पर से संबंधित आप देख सकते हैं पदों का विवरण दिया हुआ है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 11 जुलाई रखी गई है। और यहां पर जूनियर मैनेजर और डिप्लोमा टेक्नीशियन समेत 271 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं 6 जुलाई तक। बैंक ऑफ बड़ौदा में 427 पदों पर रिक्तियां, 2 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर
एसएससी 17,727 बंपर भर्तियां करेगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 17,727 पदों पर बंपर भर्तियां की जाएगी और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई रखी गई है। अगली खबरें यहां पर 80 स्कूलों में 2000 बच्चे शिक्षक चिंतित, वोकेशन ट्रेड के ट्रेनर ही नहीं इन्हें पढ़ाएगा कौन, और प्रथम वर्ष में आवेदन जारी 3 जुलाई अंतिम तिथि, यूजी पार्ट प्रथम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और रविवार को भी ऑनलाइन आवेदन किए गए, 3 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। अगली खबरें यहां पर शिक्षा विभाग को 75% अंक वाले बच्चों को सिम के साथ देना है टेबलेट, नेटवर्क उपलब्धता जाने बिना 55,727 सिम खरीद के टेंडर निकाले, गलती पकड़ में आए तो स्थगित। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के करीब 55,727 विद्यार्थियों को टेबलेट और सिम कार्ड बांटने के टेंडर खोले जाने से पहले ही तकनीकी समस्या आ गई और अब इस प्रक्रिया को होल्ड कर सभी स्कूल प्रिंसिपल से उनके एरिया में सक्रिय नेटवर्क कंपनी की जानकारी मांगी गई है। दो सत्रों के मेधावी बच्चों को इसको लाभ दिया जाएगा। और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफॉर्म में गड़बड़ी के बाद अब नया घोटाला, 50 साल का अभ्यर्थी बना सहायक रेडियोग्राफर, उम्र 10 साल ज्यादा फिर भी परीक्षा में बैठा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका। प्रदेश में सरकार बल देते थे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के ट्रांसफॉर्म में कई गड़बड़ियां हुई, एक ही पद पर दो दो डॉक्टर्स और अधिकारियों को लगा दिया गया, इसके विरोध में कई डॉक्टर्स कोर्ट गए और स्टे लगाकर आज भी अपनी जगह बैठे हैं। अब नियुक्ति भी गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया जो कि सहायक रेडियोग्राफर भर्ती से जुड़ा है। बायोमेट्रिक से जालौन में एक बाड़ में 4 डमी पकड़े, शिक्षक भर्ती में आरक्षण होने से महिला अभ्यर्थी ज्यादा, डीएलएड में 92.19% उपस्थिति, पेपर औसत 400 से ज्यादा अंक पर कॉलेज में प्रवेश संभव, या आप देख सकते हैं डीएलएड इसके आयोजन को लेकर के अपडेट। और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में हो रहा खेल, शिक्षा विभाग नाकाम, प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे हजारों डुप्लीकेट स्टूडेंट्स, शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की गई डुप्लीकेट स्टूडेंट रिपोर्ट में खुलासा, 6,000 अभ्यर्थियों के लिए 12,019 रिक्त पद सूची जारी, पदोन्नत उपप्राचार्य की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से, बीकानेर पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को स्कूलों में पोस्टिंग लिए सोमवार से यानी कि आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत वाइस प्रिंसिपलों की वरीयता सूची और रिक्त पदों की सूची घोषित कर दी है। 6,000 वाइस प्रिंसिपल के लिए 12,019 रिक्त पद खोले गए हैं। दरअसल राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संघ के मुख्य मंत्री महेंद्र पांडे ने काउंसलिंग में सभी रिक्त पद खोलने की मांग शिक्षा मंत्री से की थी और 1 जुलाई से ऑप्शन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि 4 जुलाई तक सभी वाइस प्रिंसिपल अपने पसंद के स्कूल का ऑप्शन ऑनलाइन भरना होगा, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर मेधावियों को टेबलेट से मुफ्त मिलेगा 3 वर्ष का इंटरनेट। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती चीटिंग के सबूत बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेजे, लगातार रोल नंबर वालों के चयन पर विवाद, चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने मांगे चीटिंग के सबूत। तो साथियों ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।